हेलो गाइस, वेलकम ऑन किचन किंग। आज हम पनीर कोरमा बनाने वाले हैं और ये एकदम डिलीशियस रेसिपी बन जाती है। इसके लिए जो पनीर कोरमा की करी होती है वो कैसे बनाई जाती है और उसके साथ ही पनीर को कैसे फ्राई किया जाए, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स प्ले द वीडियो। एक पैन ले लीजिए और उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कीजिए और 3 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके इसमें ऐड कीजिए और प्याज को हमें डार्क ब्राउन कलर आने तक अच्छे तरीके से फ्राई करते रहना है। एक बार प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाए तब इसे एक डिश में निकाल कर लीजिए और प्याज को रूम टेम्परेचर पर आने तक अच्छे तरीके से ठंडा होने दीजिए। एक बार प्याज अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब उसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कीजिए और उसके साथ ही 10 से 12 काजू और 3 से 4 टेबल स्पून कर्ड यानी दही ऐड कीजिए। अब मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन लगाइए और इसकी फाइन पेस्ट बना कर लीजिए। अब ऑयल ले लीजिए और इसमें पनीर की क्यूब ऐड कीजिए। मैंने इसमें लंबे लंबे क्यूब कट कर कर लिए हैं। अब इसे लो फ्लेम पर हल्के हाथों से स्टर करते हुए 5 से 6 मिनट तक फ्राई करते रहिए। जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं होता तब तक इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते रहिए। एक बार पनीर का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तब इसे एक छन्नी के सहारे इसे निकाल कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा पनीर एकदम फ्राई हो चुका है। अब उसी ऑयल में पनीर की करी बना कर लीजिए। अब इसके लिए 2 हरी इलायची, 1 चक्री फूल, 1 बेलीफ यानी तेज पत्ता, 1 टेबल स्पून जीरा और जो हमने पेस्ट बना कर रखी थी वो इसमें सब ऐड कीजिए और इसे लो फ्लेम पर स्टर कीजिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। एक बार पेस्ट में से ऑयल छूट जाए तब इसमें स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कीजिए और इसे और 2 मिनट अच्छे तरीके से पका कर लीजिए। और उसके बाद 2 मीडियम साइज के टोमेटो ले लीजिए और इसके प्यूरी बनाकर इसमें ऐड कीजिए। और पेस्ट में से ऑयल छूटने के बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून पनीर मसाला ऐड कीजिए और इसे हल्के हाथों से लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से स्टर कीजिए। 5 से 6 मिनट तक हमें मसालों को अच्छी तरीके से स्टर करते रहना है। जब मसाला अच्छी तरीके से पक जाए तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें ठीक कंसिस्टेंसी बना कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं हमारे मसालों में से अच्छी तरीके से ऑयल छूट चुका है। ऊपर से 4 से 5 हरी मिर्च, 2 स्पिंच कसूरी मेथी और बहुत सारी ऊपर से हरी धनिया ऐड कीजिए। गैस का फ्लेम लो ही कीजिए नहीं तो हमारे मसाले नीचे से जल जाएंगे। अब इसे अच्छी तरीके से स्टर कीजिए, इसे अच्छी तरीके से मिला कर लीजिए। अब इस स्टेज पर 1 कप हॉट वाटर यानी गर्म पानी ऐड कीजिए। पनीर कोरमा की जो कंसिस्टेंसी होती है वो तीखी रहती है, इसे ज़्यादा पतली मत करिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। एक बार इसमें से ऑयल छूट जाए तब इसमें हम 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने से पनीर में हल्की सी रिचनेस आती है और जो दही और टोमेटो की प्यूरी का जो खट्टापन है वो भी दूर हो जाता है और ये खाने में एकदम डिलीशियस लग जाती है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से स्टर कीजिए। आप देख सकते हैं हमारी पनीर कोरमा की जो करी है वो एकदम डिलीशियस बन चुकी है। अब इस स्टेज पर हम जो हमने पनीर फ्राई करके रखे थे वो इसमें सब ऐड कीजिए और इसे हल्के हाथों से फ्राई कीजिए। पनीर को टूटने मत दीजिए। आप देख सकते हैं हमारी पनीर कोरमा की जो सब्जी है वो एकदम रेडी हो चुकी है। इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर पकने दीजिए और ऊपर से बहुत सारी हरी धनिया ऐड कीजिए। और आप देख सकते हैं हमारी पनीर कोरमा की करी है वो एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये पनीर कोरमा की जो रेसिपी है वो घर पर ट्राई करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और विच टाइप ऑफ वीडियो वुड यू लाइक प्लीज कमेंट मी। शेयर विच वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।